वृत्तासुर के वध की कथा आती है सिस्टम स्कंध में, वृत्तियों की असुरताई ये वृत्तासुर है, इसलिए अपनी मनोवृत्तियों को सहेज के रखो, थोड़ी एक क्लैरिटी रखिए, वो जरूरी है। हम्बल रहो, पोलाइट रहो, एफिशिएंट रहो, लीनियंट रहिए, झुके झुके से रहो, मीठा बोलिए, थोड़े ईमानदार रहो, फिर भले ही जप कम करना, थोड़े से हम्बल रहिए, लीनियंट रहिए, एफिशिएंट रहिए, कमिटेड रहिए, कमिटमेंट मत तोड़ो, लॉयल रहिए, लॉयल्टी तोड़ मत देना, वचनबद्ध रहिए, प्रतिबद्ध रहिए, संबद्ध रहिए, समर्पित रहिए, जिसके हो उसके बन के रहो, तोड़ मत देना वो संबद्धता। परदेश में जा रहे थे कोई व्यापारी दूर, तो निकले तो आंखों में आंसू आ गए, पत्नी टीका कर रही थी, आरती कर रही थी, मुंह में थोड़ा सा गुड़ रख रही थी, सेठानी ने कहा जरा मुंह खोलिए, तो सेठ ने मुंह तो खोला और गुड़ तो रख लिया, आरती भी करवा ली, रो पड़ा, आंखें पहुंच ली सेठ ने, तो सेठानी कहने लगी ये क्या हुआ, अब तो व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार में तो देश परदेश जाया ही जाता है, ये आंखों में आंसू क्यों आ गए। सेठ ने कहा कि मुझे झूठ बोलना आता नहीं और तू बहुत सुंदर है, मैं जाऊंगा परदेश में तेरी चिंता रहेगी मुझे, तो इतनी सुंदर है ना और ऐसी तो कोई है भी नहीं इस नगर में। अच्छा सेठ ने एक और बात कह दी कि मैं तो नगर क्या देश विदेश में बहुत घुमाया बिजनेस के लिए और तू जैसी कोई सुंदर है ही नहीं, तो थोड़ी सी लंबी लंबी यात्रा है, पता नहीं कब तक रहना हो, तेरी चिंता लगी हुई है। तो बोले किस बात की चिंता है, बोले ये कि तू सुंदर बहुत है और कोई बहका ना ले, इस बात की चिंता। अब मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मैंने बोल दिया, तो सेठानी ने कहा रुको रुको अब देर हो रही है तो थोड़ा और सही। तो सेठानी गई और तुरंत वो फूलों की दो मालाएं बना लाई, एक तो पति को पहना दी, एक खुद पहन ली। उसने कहा कि जो मैंने आपको पहनाई है तो मेरी माला है और जो मैंने पहन रखी आपकी माला है, तो मैंने अपनी माला आपको पहना दी है, तप की, जप की, सतीत्व की, अपनी पवित्रता की, अपने संकल्प की, अपने चरित्र की, अपने आचरण की, ये जो मैंने माला पहनाई है मेरे आचरण की माला है, चरित्र की माला है, मेरे संयम की माला है, मेरे पतिव्रत धर्म की माला है, जो मैंने माला पहना दी आपको, इसका एक भी फूल सूख गया तो समझ लेना कि आपकी पत्नी का मन बहक गया है, दो चार फूल सूख जाए तो समझना आपकी पत्नी के मन में लोभ आ गया है, लालच आ गया है और उसका चरित्र शिथिल हो सकता है। और एक और बात, अगर ये सारी माला सूख जाए तो समझ लेना कि आपकी पत्नी भ्रष्ट हो गई। लेकिन लाला जी एक माला मैंने ही पहन रखी है आपकी, तो अगर इसमें एक भी फूल सूख गया तो मैं समझूंगी कि आप में भी कुछ गड़बड़ तो हो गई है, यानी चिंता मैं रखूं अपनी और आपकी कौन रखेगा, यानी मैं मेरी देखभाल यहां कोई ना करे और मैं संभाल के रखूं अपने करेक्टर को, तो ये आप नहीं रखेंगे अपना करेक्टर संभाल कर, मतलब मैं तो भ्रष्ट हो सकती हूं क्योंकि मैं रूपवान हूं और आप भी तो धनवान है रूपवान है, तो जाइए अब निकल जाओ व्यापार करने। तो बेचारे सेठ जी व्यापार तो करते थे तो वो रोज ना माला देखते रहते थे, तो उनको लगता है तो माला वैसी की वैसी है, पत्नी की माला उसमें वैसी गंध वैसी सुगंध उतनी फ्रेश। अब वो व्यापार में तो आधा ध्यान आधा इस बात में कि मेरी माला तो नहीं सूख गई होगी, दैट इज द कमिटमेंट, दैट इज द लॉयलिटी, ये कमिटमेंट है। वृत्तियों में लोभ पहले आता है, काम आता है, क्रोध आएगा, लोभ आएगा तो चरित्र शिथिल होगा। तो कुछ महीने के बाद जब सेठ जी लौट कर आए व्यापार करके, तो वो ना अपनी पत्नी को नहीं देख रहे थे,
उसके गले में माला देख रहे थे कि ठीक ठाक है कि नहीं। तो भी उनकी पत्नी ने कहा कि इसमें से ना दो चार फूल हल्के फुलके सूख गए हैं, ये क्या कारण है? तो बोले वो थोड़ा जो मैं व्यापार में डील कर रहा था ना, तब थोड़ा दो चार चीजें हेर फेर कर ली थी मैंने, ये डील में कुछ ऐसा हो गया, बाकी तो सब सही है। आइए इनका जब तप निराकरण कर लेते हैं, प्राश्चित कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अपनों के बीच में ना एक दो मालाएं बना के रखो। अगर गुरु शिष्य हैं आप, पिता पुत्र हैं, पति पत्नी हैं, युग में तो हम रहते हैं, युगल तो हैं, या अकेला कौन है, परमात्मा तो साथ है ही। तो वृत्तियों की असुरता ही वृत्तासुर है। याचना वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, दीन वृत्ति, दैन्य वृत्ति, अहंकार वृत्ति, एक बहुत ही हम कुरूप से हैं, छोटे से हैं, डिगने से हैं और सुंदर होते। एक बहुत ही शॉर्ट हाइट के आदमी हमको मिले, वो बड़े परेशान, वो कहते थोड़ा और लंबा सा हो जाता मैं। हमने कहा क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपके पास, और बहुत अच्छी चीज है, ऊंचाई लंबाई नहीं है तो क्या है। कुछ लोग हीनता रहते हैं, मैं सुंदर और होता, थोड़ा पतला सा और होता, बाकी सब तो ठीक है, हमारा पेट पतला नहीं है। अरे भाई नहीं है, कोई बात नहीं, करेक्टर अच्छा रख लो। तो हीनता बनी रहती है मन में, वृत्तियों में हीनता। सकारात्मक वृत्तियां रखिए, पावित्र रखो, उसमें दया भाव रखो, करुणा रखिए अपनी वृत्तियों में। तो जैसी जैसी आपकी वृत्ति होगी, वैसी स्वीकृति होगी आपके भीतर, वैसा ही आचरण स्वभाव बनता जाएगा। तो वो बहुत ही अधमता जिस वृत्ति में थी, ऐसा वृत्तासुर, उसके लिए ये एक वरदान था कि उस वही तुझे मार सकता है जिसने क्रोध न किया हो कभी। तो जब यज्ञ में बाधा आ रही थी और वृत्तासुर प्रचंड हो गया, देवता परास्त होने लगे, तो देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा था कि इंद्र एक महात्मा ऐसा है जिसने कभी क्रोध नहीं किया, तो उसकी अस्थियों से इस वृत्तासुर का वध करेंगे, और वो हैं दधीच, उनसे अस्थि लाएंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्सन्निधौ वैर त्याग, जिसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, जो अपरिग्रह होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, वही अहिंसक रहते हैं। दधीच से अस्थियां मांगी कि हमें अपनी अस्थियां दे दो। दधीच ने कहा मैं सिंह के सामने जाता हूं और सिंह मुझे आहार बना लेगा, आप अस्थियां ले जाना। दधीच ने अपने शरीर पर गुड़ लपेट लिया, सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। सिंह उनके पैर चाटने लगा, हाथ चूमने लगा। सिंह हिंसक पशु, तो अगर आपने किसी की हिंसा नहीं की है तो कोई आपकी भी हिंसा नहीं करेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ व्यर त्याग, अपने भीतर अहिंसा की प्रतिष्ठा कीजिए। मांस मैद्र उधर चबा गया, सिंह अस्थियां रह गईं। उन अस्थियों को स्नान कराया सरस्वती नदी में, उन्हीं अस्थियों से वो धनुष बना था जो सीता उठा सकी थी, और राम ने त्रेता काल में धनुष तोड़ा था, उसी धनुष से शिव का धनुष बना था, वही धनुष था जो परशुराम लेकर चलते थे। इस प्रकार की अस्थियां थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी समाज के लिए आपने कुछ दिया है, धन, समय, संवेदनाएं, कुछ दो चार अच्छी बातें कुछ किया है, इन हाथों से कुछ दिया है कभी? क्या कोई एक ऐसा पल याद आता है कि जब आपको लगे कि उतना बड़ा दान, सेवा, बड़ा काम मैं नहीं कर सका कभी? एक दिन कुछ अच्छा सा पल याद करके देखो, वो अभी याद करके देखो, चलो उसे बाद में याद करना, कोई घृणित पल याद करके देख लो, अपने जीवन का वो एक काल याद करके देखो, वो समय याद करके देखो जब आपको वो नहीं करना चाहिए था, जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आप कर बैठे, जो नहीं करना चाहिए था वो आपने किया, वो याद करना जरा। आपको नहीं बोलना चाहिए था, बोल बैठे।
तो जो आपको नहीं सोचना चाहिए था आपने सोचा, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने किया, जो आपको नहीं कहना चाहिए था आपने कहा, वो जो बहुत ही घृणित पल है, वो जिसे याद करके आप लज्जित हो, आपको लगे ये तो अच्छा नहीं हुआ, वो घृणा से आया, आपने से ग्लानी से आया, अपमान से आया, वो कभी कभी क्रोध के पल होते हैं, लोभ के पल होते हैं, वो अनियंत्रित काम के पल होते हैं। मैं आपको क्लू दे रहा हूं, आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं बता रहा हूं रास्ता कहां से ढूंढो उनको, मैं क्लू दे रहा हूं आपको ना कि पकड़ के लाइए वो कौन से पल हैं, वो कौन सी घटना है कि आप याद करें आपको लज्जा आए, ग्लानी हो, अपने से अच्छा ना लगे, आंख ना मिला सके और छुपा के रखें किसी को पता नहीं लगेगा, और आप बंद करके रखो डायरी को, खोलो नहीं, ये नहीं पन्ने खुलेंगे, ये ठीक ठाक नहीं है, ये रहने दो। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति अदिति, दिति से देव उत्पन्न हुए, अदिति से देव और दिति से दैत्य, दोनों बहनें ही थी, दिति अदिति, अदिति बड़ी थी लेकिन दिति स्वभाव से कठोर थी, कर्कश थी, अपने हित की बात करती थी, कभी उनमें स्वार्थ अधिक हो जाता और उसी कारण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष उनके गर्भ में आए। सब कुछ संकल्प का फल है, हमारा जैसा संकल्प होगा, जैसा हमारा विचार होगा, जैसी हमारी सोच होगी, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही तो होता है। गर्भकाल में क्रोध करती रहती वो, हिंसा उनमें रहती थी, अपनी भगिनी के लिए द्वेष रहता था, इसी कारण उनके गर्भ में दैत्य आए। सत्यवती ने प्रार्थना की थी नारद से, महर्षि वेदव्यास से, कि हमारे यहां कोई वारिस नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, यौवन में ही मेरे दोनों पुत्र मर गए हैं, विचित्र वीर चित्रांगद, हमारे को संतान नहीं, मैं नियोग के लिए तुझे आदेशित करती हूं, संतान उत्पत्ति के लिए मैं मां तुझे आदेश देती हूं, जा हमें संतान दे, मेरी दोनों बहुओं से तू इनका ज्येष्ठ भी है और इनसे गंधर्व विवाह कुछ पल के लिए कर, इन्हें संतान दे। आदेश हुआ मां का, महर्षि वेदव्यास ने अंबालिका और अंबिका को संतान देने का संकल्प कर लिया, लेकिन अंबिका तैयार नहीं थी। मां का आदेश मिला, सास ने कह तो दिया लेकिन आंखें बंद कर ली, देखा नहीं, और असहमति, अस्वीकृति, अमान्यता, नहीं देखूंगी मैं वेदव्यास को, भले बेटा हो जाए, एक बेटा चाहिए ना, बेटा तो हो जाएगा, संतान चाहिए हो जाएगी, देखा नहीं, आंखें बंद कर ली। तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ अंधा, दूसरी तो एकदम पीली सी हो गई, पीतवर्णा, ये इनसे मुझे संतान मिलेगी। तो पांडु पैदा हुआ, मां समझ गई थी सत्यवती कहीं कुछ भूल हुई है इनसे, तो माने फिर प्रार्थना की बड़ी बहू से, छोटी से अंबिका, अंबिका अंबालिका से कहा कि मैं आदेश करती हूं समर्पित हो, उत्तम कोटि का हमें संतान चाहिए, कौन संभालेगा इस धरती को, एक तो अंधा हो गया धृतराष्ट्र और ये पांडु रोगी है। मानी नहीं वो, बड़ी बहू से कहा तो वो ठीक है मान गई बड़ी बहू ने ऐसा कहकर, और अपनी दासी को सुंदर से वस्त्र पहना दी, अपनी साड़ी पहना दी, अपना मुकुट पहना दिया और खुद दासी वाले कपड़े पहनकर उसके साथ चल पड़ी। तो दासी ही चली गई रानी बनकर और उसने समर्पित कर दिया संकल्प की सिद्धि के लिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अब वो संतान आएगी जो इस धरती पर श्रेष्ठ होगी, महान होगी, नीतिज्ञ होगी, धर्मज्ञ होगी। तो वो कौन पैदा हुआ? विदुर। तो दासी से विदुर पैदा हुए,
गर्भकाल में आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो संध्या काल में भगवान शिव के आगमन के समय दिति ने काम को चेष्टा की और संतान उत्पत्ति के लिए आग्रह किया। कश्यप ने अनमने मन से अनिच्छा प्रकट की, एक हल्का सा उनमें क्रोध भी आ गया और क्रोध के काल में महर्षि कश्यप ने और दिति ने, दिति को भी क्रोध आ गया, तो दोनों बहुत ही आवेश में क्रोध के काल में अनिच्छा अनादर के काल में उन्होंने संतान उत्पत्ति का संकल्प किया, तो ये दैत्य पैदा हुए हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। वो आत्माएं भटक रही थी, तो ये एक का तो वराह बनकर भगवान ने वध किया, दूसरे का नरसिंह बनकर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, उनका विस्तार करो तो बड़ा कठिन सा लगता है, पर हाँ प्रहलाद का विश्वास, उसकी भक्ति, नारद ने उसे विश्वास दिया था और उसी से भगवत प्राप्ति हो गई। मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा था, अपनी सब चीजें भले ही संभाल कर मत रखना, भक्ति की मंत्र साधन माला झोली दंड कमंडलू, तो फिर क्या संभाल कर रखें। तो अपनी पूजा पाठ की चीजें भले ही इतनी संभाल कर मत रखना, पर एक चीज संभाल कर रखना और उसका नाम है विश्वास, अपने फेथ को संभाल के रखना, फेथ को संभाल के रखना, कीप सेफ, संभाल के रखिए। एक बहुत छोटा सा बालक मुझसे कह रहा था कि भगवान कहां रहते हैं। अब बहुत उसने आदर से मुझसे पूछा था। अच्छा, उसको पीछे से किसी ने फीडबैक दिया था, उसके माता पिता ने कहा कि जरा पूछना भगवान कहाँ रहते हैं, महाराज से पूछो। तो छोटा सा बालक मेरे पास आकर बैठ गया गोद में और बोला, महाराज जी भगवान कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा, तू पूछ रहा है तेरे मम्मी डैडी। बालक बड़ा निर्दोष, बोले मेरे माता पिता ने ही कहा है, पूछो भगवान कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा, फिर उनको जाके बता देना। बालक ने कहा, भगवान कहाँ रहते हैं। मैंने कहा, उनको जाकर कह देना भगवान हमारे विश्वास में रहते हैं, हमारे फेथ में रहते हैं। भगवान कहाँ है, फेथ में। अब मेरा फेथ है तो ये मुझे पानी भी अमृत लगता है, मेरा फेथ है इसलिए मुझे भगवान दिखाई देता है। तो प्रहलाद को उसका फेथ संभाल के रखने के लिए कहा उनके गुरु ने, अपने फेथ को रखना, और तेरा फेथ पक्का है तो तुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, विश्वास को संभाल के रख।